ये क्या कह रहा है यार? तुम्हारे इंतजार में हम बेकरी में चाय पी रहे थे। वहाँ बेकरी के सामने बहुत बड़ा बैनर था, उसमें एक तांत्रिक थी। वो भूत प्रेत को भगाने में एक्सपर्ट है, इसका इलाज वही करेगी। ओ, पहले हम वहाँ चलेंगे। चलो माता जी, कुछ लोग मिलने आए हैं। पहले उन्हें बुलाओ। ठीक है माँ, आप लोग जाइए सर। हाँ, नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। तुम लोगों को एक एक बात सच बतानी होगी। अगर तुम लोगों ने एक भी झूठ बोला तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है माँ। बिल्कुल सच कह रहे हो और मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। प्रेत आत्मा की वजह से चित्र पूर्णिमा के दिन तुम लोगों की जान को खतरा है, पर तुम लोग यहां बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब सुनो, मुझे अभी यहां पूजा करने में समय लगेगा, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। तुम लोग अभी संभल कर अपने घर जाओ, मैं शाम को मिलूंगी। चलो अब जाओ और पूजा की तैयारी करो। ठीक है माँ। पूजा की तैयारी करो। जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है। चलो तुम भी चलो। ये दरवाजा क्यों खोला? तुम क्या कर रही हो? यही देखने के लिए आया था। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जाओ देखो उसे। जी। तुम यहाँ पे, उसे भगाओ यहाँ से। चल। भगाओ उसे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। चल। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? और इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? क्यों तुम इन लोगों को तंग कर रही हो? मैं उनकी हत्या करके ही रहूंगी। और ऐसा क्यों? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने वशीकरण से तुम्हें इस मटके में बंद कर दूंगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं चित्र पूर्णिमा के दिन इन लोगों को मार डालूंगी। मैं तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? बताओ मुझे। मैं और मेरी माँ बहुत खुशी से रह रहे थे। हमारी खुशियों में कोई कमी नहीं थी। मेरे अंदर मंगल दोष था और 28 साल की उम्र तक उसकी शुद्धि नहीं हुई। आखिर में मैसूर का एक लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। और वो शादी के पहले बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट के लिए रहा था। उसने कहा, अगर एक घंटे के लिए फ्री हो तो आकर मुझसे मिलो। मैं उसी वक्त फोन पे बात करने के बाद उससे मिलने चली गई। उसके बाद इन लोगों ने मुझे किडनैप करके मार डाला। मेरी माँ मेरा इंतजार करते करते अपनी जान दे दी। और उसके बाद मैंने ही प्लान बनाकर इन चारों को यहाँ तक लाई हूँ।
अब इन्हें खत्म करने का वक्त आया है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। चारों को यहाँ तक लाई हूँ। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या बोल रहे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग साफ साफ बताओ ना, कल चिकन बिरयानी ढंग से नहीं खिलाया है और आज मटन बिरयानी बना के तुम्हें अकेले खिलाएगी, यही कह रही है वो। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों की वजह से मेरी जान गई थी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी जान गई थी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी बात सच नहीं है, ये सही कह रहे हैं। उस दिन वो चार लोग जिन्होंने तुम्हें किडनैप करके तुम्हारी इज्जत लूटी थी, उन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया और वहाँ से भाग गए। और फिर तुम्हें जब होश आया तो ये चार लोग तुम्हारे सामने थे। ये वहाँ तुम्हारी जान बचाने आए थे, पर तुम्हें गलत फहमी हो गई कि ये वही चारों हैं और ये लोग फंस गए। तो वो चार लोग और कौन है? उस दिन हम बेंगलोर में काम ढूंढने के लिए आए थे। शाम तक तो हम काम ढूंढते ढूंढते थक गए थे और बस स्टॉप पर जाकर